हाय एवरीवन, दिस इज़ विरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है ब्लैक कोकेन पे कि ब्लैक कोकेन क्या है। कोकेन तो आपने सुना होगा, बट व्हाट इज़ ब्लैक कोकेन? पहली बार इंडिया में पकड़ी गई है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी ऑल ओवर द प्रिंट मीडिया यू कैन फाइंड दिस न्यूज़ अबाउट ब्लैक कोकेन। और एक ड्रग है, देखिए इंडिया ऑलरेडी हम देखते हैं कि ड्रग्स यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, यूथ यूज़ करता है, अपर क्लास सोसाइटी यूज़ करती है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इलीगली ये इंडिया में ये ड्रग्स एंटर करते हैं। सो ब्लैक कोकेन भी उन्हीं में से एक है। और इसको ब्लैक कोकेन क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फ़िलहाल क्या हुआ कि मुंबई की ब्रांच जो है NCB की, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, उन्होंने कोकेन यहाँ पे सीज़ की, जिसकी वैल्यू 13 करोड़ रुपए थी, 13 करोड़ रुपीस इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। एक फॉरेन नेशनल वुमन थी, एक महिला थी जो इसको लेके आ रही थी। अब देखिए, ब्लैक कलर कोकेन का ये इसलिए दिया जाता है, यूजुअली एयरपोर्ट्स में आपके स्निफर डॉग्स रहते हैं जो सूंघ के पता कर लेते हैं कि यहाँ पे कोकेन है। तो उस स्मेल को छुपाने के लिए, मास्क करने के लिए इसको कुछ केमिकल्स के साथ मिक्स किया जाता है, ताकि कोकेन की ओरिजिनल स्मेल ख़त्म हो जाए और डॉग्स को पता ना चले कि उसमें कोकेन है। दूसरा, इन जगहों पे जो चेक पॉइंट्स होते हैं, कलर टेस्टिंग की जाती है कोकेन जैसे ड्रग्स की, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि ये ड्रग है। तो वहाँ पे वो कलर टेस्टिंग से बचने के लिए भी इसको ब्लैक कलर जो है वो दिया जाता है। तो ये दो मेन रीजंस हैं। यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये मुंबई वाला केस में क्या हुआ, स्कैनिंग से कैसे बचे। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई, स्निफर डॉग से बचने के लिए कि उसको डिटेक्ट ना कर पाएँ, कुछ केमिकल से इसको मिक्स किया जाता है। और पहली बार इस तरह की ब्लैक कोकेन जो है वो इंडिया में पकड़ी गई है। और स्मगलर्स इस तरह का हरकत, पहले भी इस तरह की हरकत करते हैं, जहाँ पे वो कोकेन को, रेगुलर कोकेन जो आपकी होती है, उसको केमिकल्स के साथ उसकी कलर और स्मेल छुपाने के लिए उसको ऑल्टर करते हैं। अब ये ऑपरेशन ब्लैक कोकेन शुरू कैसे हुआ कि जो NCB है, वेडनेसडे को 28 सितंबर आपकी डेट थी, उन्होंने एक बोलिवियन वुमन को, एक महिला को अरेस्ट किया मुंबई एयरपोर्ट से। इनको पहले से इनपुट्स थी कि कोई फॉरेन नेशनल आने वाला है जो मुंबई में आएगा और वो ब्लैक कोकेन कैरी कर रही होगी या कर रहा होगा। उस टाइम तक उनको ये नहीं पता था कि वो एक फ़ीमेल होगी। तो फाइनली जब इंटेरोगेशन हुई, उन्होंने अरेस्ट किया। और उसके बाद एक और आदमी है, नाइजीरियन, वो गोवा में था, उसको भी अरेस्ट किया गया। तो इस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन ब्लैक कोकेन आप देख सकते हैं। जब उस जो लेडी जो पकड़ी गई, बोलिवियन वुमन, उसका लगेज चेक किया तो फॉल्स कैविटीज़ वहाँ पे बनी पड़ी थी, जिसमें 12 टाइट पैकेट्स जो है रिकवर किए गए कोकेन के, ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। शुरू में उन्होंने देखा तो यहाँ पे इस तरीके से, ये उनका पिक्चर है। आप 26 सितंबर की बात है कि इस तरह से महिला आई, उनको पकड़ा गया। ये अभी गोवा जाने वाली थी, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पे ही इनको पकड़ लिया गया। बाद में इन्होंने बताया, कन्फेस कर लिया कि येस, दिस इज़ अ ड्रग कोकेन, 3.2 kg, और ये जाके ये जो नाइजीरियन व्यक्ति हैं इनको देने वाली थी। फिर पुलिस ने यहाँ पे ट्रैप जो है वो सेटअप किया और उसको भी पकड़ लिया। अब ब्लैक कोकेन के बारे में जानते हैं। ये तो ऑपरेशन ब्लैक कोकेन था। ब्लैक कोकेन इज़ अ रेयर ड्रग। तो ब्लैक कोकेन में क्या है, आपकी रेगुलर कोकेन है और कुछ केमिकल्स के साथ इसको मिक्स किया गया है, कुछ एडमिनिस्ट्रेड क्वांटिटी में। रीज़न मैंने आपको बता दिया, कलर टेस्टिंग से बचने के लिए, डॉग से बचने के लिए। तो ऑलरेडी इंडिया में खबर थी कि साउथ अमेरिकन कंट्री से कोई आएगा। अब वैसे भी इंडिया में अगर आप देखेंगे कोकेन कहाँ से आती है, तो आपकी साउथ अमेरिकन कंट्री से यहाँ पे एंटर करती है। और यूजुअली ये लोग मुंबई में ही आते हैं। और इस तरीके से आप ब्लैक कोकेन को, अगर मैं टिपिकली यहाँ पे केमिकल्स की बात करूँ, तो रेगुलर कोकेन के साथ रेगुलर कोकेन का बेस रहता है, और उसको कैमोफ्लाज करने के लिए चारकोल यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं, डीप रेड कम्प्लेक्सेस सोल्यूशन में ये यूज़ किए जाते हैं, ताकि उसको डिटेक्ट चेक पॉइंट्स में ना किया जाए। और फिर देखिए, ये जो कोकेन है इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। बाद में इसको अलग अलग केमिकल से ट्रीट करके या एसीटोन से ट्रीट करके इसको डिराइव भी किया जाता है। अब इसको ब्लैक कलर क्यों दिया जाता है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है इस स्लाइड पे कि कलर टेस्टिंग से बचाने के लिए। अब ये जो मिक्स की हुई आपकी ब्लैक कोकेन है, क्या इसको जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो यूं ही यूज़ कर लेते हैं एज सच? तो आंसर इज़ नो। एक बार इसकी स्मगलिंग की जाती है ब्लैक कोकेन की, फिर इसको एक केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है और कोकेन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कोकेन हाइड्रोक्लोराइड या उसके बेस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे मेथिलीन क्लोराइड हो गया, एसीटोन हो गया, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में कि कोकेन को बाकी केमिकल से अलग किया जाए। एक बार ये बेस को ले लेते हैं, फिर बेस को पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है कोकेन हाइड्रोक्लोराइड में, और रेगुलर कोकेन जो है इसी तरीके से ली जाती है। रेगुलर कोकेन कहाँ से आती है? जो पत्ते होते हैं कोकोआ प्लांट के, उससे ये डिराइव करते हैं। काफ़ी सारे केमिकल प्रोसेसेस से इट अंडरगोस और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है वाइट पाउडर में। अब देखिए इस तरह की चीज़ें कब से यूज़ हो रही हैं कि लॉ एजेंसीज को धोखा देने के लिए आपने कोकेन का कलर चेंज कर दिया। 1997 में कोलंबियन पुलिस ने पहली बार एक शिपमेंट जो है ब्लैक कोकेन का वो पकड़ा था जो इटली जाने वाला था फ्रॉम बोगोटा। रिपोर्ट्स ये भी बोलती हैं कि 1980s में जो चिली का डिक्टेटर थे ऑगस्टो पिनोशे, वो एक छुपा के एक लेबॉर्ट्री चला रहे थे जहाँ पे कोकेन यूज़ होता था, तो वो भी अपने देश में इस तरीके से कोकेन लेके आते थे। 2008 में ब्लैक कोकेन स्पेन में भी अगर आप देखेंगे, स्पेन की पुलिस ने वहाँ पे पकड़ी जिसको रबर लाइक शीट्स में कन्वर्ट किया गया था लगेज में। और 2021 में मेजर कंसाइनमेंट ब्लैक कोकेन का 860 केजीज, क्योंकि इंडिया में देखिए सिर्फ 3.2 केजी अभी पकड़ी गई है और यहाँ पे 2021 में 860 केजी स्पेन में सीज की गई। तो एक बहुत ही बड़े पैमाने में ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो होती है। मेजर सोर्स इंडिया में कोकेन कहाँ से आती है? यही साउथ अमेरिकन कंट्रीज जहाँ पे आपके कोका प्लांट्स हैं, मेजर सप्लायर्स इंडिया के वही हैं। मुंबई में माना जाता है कि हाई क्लास अपर क्लास सोसाइटी इसको यूज़ करती है क्योंकि काफ़ी महंगी है कोकेन, कोई नॉर्मल इंसान इसको यूज़ भी नहीं कर सकता। सो इट इज़ वेरी कॉस्टली, एक्सपेंसिव, और अपर क्लास ऑफ सोसाइटी इसको यूज़ करते हैं। और कोकेन का प्रॉब्लम इंडिया में है, ये तो मान लीजिए। इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग। सितंबर 2020 का रिपोर्ट जो इंडिया टुडे का है वो बोलते हैं इंडिया में 10.7 लाख पीपल जो है वो कोकेन यूज़ करते हैं। मोस्टली यूज़र्स आपके महाराष्ट्र में है 90,000, पंजाब में 27,000, राजस्थान 10,000, कर्नाटका 8,000। ये डेटा जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है वो बोलते हैं कि ओपियोइड यूज़र्स भारत में 23 मिलियन के आसपास हैं 2018 में, और 2004 से अगर आप इस डेटा को कंपेयर करेंगे तो आपको 600% राइज देखने को मिलेगा। सो दिस बिग इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग मेनेस इन इंडिया। तो दिस इज़ इट अबाउट ब्लैक कोकेन। बाकी आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन हमारे साथ ईजी कर सकते हैं। अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए और अपने फेवरेट एडुकेटर्स से पढ़िए, बेस्ट एडुकेटर्स से पढ़िए। कोई भी कोर्स आप लें, आप वीरो यूपीएससी कोड यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट माय पर्सनल गाइडेंस। इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ पे आपका चांस है कि आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। हमारा ऑल स्टार बैच शुरू हो रहा है 6 अक्टूबर से, आप इसमें खुद को एनरोल करवा सकते हैं। बाकी EMI 0% है इफ़ यू गो फॉर EMI, कोई इंटरेस्ट यहाँ पे आपको बेसिकली नहीं पड़ेगा। और ऐप और वेब पे डाउट ब्राउज फीचर है, इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं इसको। सो हेयर यू कैन स्कैन फॉर माई टेलीग्राम चैनल अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं फॉर एनी क्वेरी। सो सी यू ऑल देयर, थैंक यू सो मच।